अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ टेजर भाई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह यूट्यूब और दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक ड्रामे अपने वीडियोज में कवर करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी तरफ। तो हम बात करने वाले हैं तो भाई 2 ईयर्स का भी न्यू सॉन्ग आने वाला है जिसमें उनके साथ फीचर होंगे माने, और सॉन्ग का नेम है डोंट नीड। सो लेट्स सी कि सॉन्ग कब तक आता है। जैसे रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं यंगस्टर्स और रैप डीमन के बारे में। तो यंगस्टर्स और रैप डीमन ने फ्री फायर जो बैटल इन स्टाइल रैप कॉम्पिटिशन के लिए एक और सॉन्ग बनाया है। तो अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वैसे फ्री फायर के चैनल पे मौजूद है। और तो बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं रेज ऑन द माइक के बारे में। तो रेज ने रिसेंटली अपनी इंस्टा पे स्टोरी लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और जल्दी वो अपने फैंस को अपडेट करेंगे। लेट्स सी कि कब तक उनके न्यू प्रोजेक्ट्स यानी कि सॉन्ग्स आते हैं। तो जैसे रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं इमरान खान के बारे में। तो रिसेंटली इमरान खान ने अपनी इंस्टा पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि आई के सीजन आई के रिकॉर्ड्स वो इज रेडी, और अपनी इंस्टा पे भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें लड़की के साथ एक पिक्चर बनाकर उन्होंने कैप्शन में भी लिखा था कि बी अवेयर हियर एक्सक्लूसिव ऑफ इमरान खान न्यू एल्बम एंड वॉच द वीडियो। सो फाइनली गाइस, अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इमरान खान की न्यू एल्बम आने वाली है। लेट्स सी कि कब तक आती है। जैसे इससे रिलेटेड कोई अपडेट्स या न्यूज मिलेगी वो अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं देसी हिप हॉप किम के बारे में। तो जय हिंद ने रिसेंटली अपने इंस्टा पे एक पिक्चर शेयर की थी रफ्तार के साथ। उसके पीछे रीजंस तो कोई शेयर नहीं किया, बट मैंने उनकी इंस्टा जाकर देखा तो उनके रिसेंट पिक्चर में से वो पिक्चर डिलीटेड है। सो क्या वजह इसके पीछे आपको अगर पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिफ अली और काके 1000 के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले में बताया था कि इनके बीच में कुछ रोला रप्पा चल रहा है, और अभी फिलहाल रिस्पांस एक तरफ से जा रहा है यानी कि काके अली और आसिफ अली की तरफ से जा रहा है। तो इसी के बारे में मुझे जहां तक लगता है कि भाई यंगस्टर्स के फैन ने उनको गाली गलौज की होगी, दैट्स व्हाई आसिफ अली ने अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि क्या बोलूं मैं, खैर जाने तो छोटी सोच के मालिक है इनके फैन बेस भी, कुछ लोग कुछ नस्ली है सिर्फ, बाकी सब छोटू है। और इस पे काके 1000 भी रिएक्ट करते हुए कहे अल्लाह आपके फेवरेट्स को और कामयाबी दे आमीन, और जो जाहिलों की तरह गाली मत दो, सामने आकर बात करो, दम है तो लियारी 36 चौक पे आकर किसी से भी पूछ सकते हो आसिफ अली और काके का घर कहाँ है, मर्द बनो, थोड़ा सामने आकर गाली दो, थोड़ी टाइपिंग करके खुद को गैंगस्टर मत समझो, आपकी आपके घर में कोई सुनता तो नहीं और हम क्यों सुनेंगे बेवकूफो। नेक्स्ट में वो कहे कि मेरी कराची के रैपर मुझसे तंग, कोई रैपर आगे बढ़े इनसे होता नहीं हजम, मेरे फैंस कह रहे हैं यंगस्टर्स पे डिस बनाओ, बड़ा भाई समझा था मगर गलती करी थोड़ी इज्जत करके, बस हाँ अब अल्लाह किसी को किसी से जलाए ना बस। और इनके कुछ बेवकूफ फैंस भी हैं जो मुझे कह रहे हैं फेम चाहिए तुझे, हाँ उन पे हंसू या पागल समझू जो ये बातें मुझसे कह रहे हैं, काके 1000 लिख देना यूट्यूब पे। तो इस पे रिप्लाई करते हुए किसी एक फैन ने कहा था जो कि अनसीन पोस्टिंग के नाम से एक इंस्टा पे पेज है, उन्होंने कहा था इनसे कि अभी तक किसी को डिस नहीं किया, जानी डिस कर दो मजा आ जाएगा, औकात पता लग जाएगी इनको। तो इस पे रिप्लाई करते हुए काके 1000 कहे बस भाई आसिफ भाई इजाजत अगर देगा तो छोड़ूंगा नहीं, अगर आसिफ भाई मना करेगा तो कभी नहीं करूंगा। सो लेट्स सी कि आसिफ भाई इनको इजाजत देते हैं या नहीं, और यंगस्टर्स के लिए कोई डिस बस आता है या नहीं। जैसे रिलेटेड कोई अपडेट्स मिलेगी अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। बट स्टिल अभी तक यंगस्टर्स की तरफ इनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सिवाय एक ट्वीट का जिसमें तारा यूनुस कह रहे थे यू कैन किल अ ब्लैक पैंथर बट द पैंथर स्टिल एग्जिस्ट, और नीचे ने लिखा राकिम बीफ जो है वो होनी चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो बता देना। और क्या इनके दूसरे के डिस करना चाहिए, मुझे जहां तक था कि भाई दोनों पाकिस्तान में फेवरेट माने जाते हैं, काके 1000 भी और यंगस्टर्स भी, सो मुझे नहीं लगता कि इनके बीफ होनी चाहिए। जैसे यंगस्टर्स और चैन के की हुई थी, आई डोंट थिंक इनकी भी होनी चाहिए इस तरह। या अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना नीचे कमेंट सेक्शन में, योर ओपिनियंस रियली मैटर। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी तरफ। तो हम बात करने वाले हैं आसिम अजहर के बारे में। तो आसिम अजहर का एक सॉन्ग जो कि स्पॉटिफाई में नंबर 10 पे आया और जो कि टॉप 50 में मैंने के माना गया, तो इसी के बारे में रिया करते हुए आसिम अजहर भी कहे कि फर्स्ट एवर पाकिस्तानी सॉन्ग टू एंटर द टॉप 10 ऑन स्पॉटिफाई वायरल चार्ट्स वर्ल्ड वाइड, सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू आसिम अजहर। तो गाइस अगर आपने फारिस शफी का मोलोटोव सॉन्ग सुनना है और आपको लिरिक्स से भी समझ नहीं आ रही तो भाई आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आपने करना क्या, नीचे मैंने एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर आप फारिस शफी का सॉन्ग विद लिरिक्स सुन सकते हैं कंप्लीट एंड परफेक्ट लिरिक्स के साथ। अगर आप लोगों ने सॉन्ग सुनना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर आप ये सॉन्ग सुन लेना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी तरफ। तो हम बात करने वाले हैं स्टार एनोनिमस के बारे में। तो रिसेंटली काफी टाइम से स्टार एनोनिमस अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह नहीं लगा रहे थे, तो इसी के बारे में बताते हुए अपने फैंस को अपडेट करते हुए अपनी इंस्टा पे एक स्टोरी लिखा जिसमें वो कहे कि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से 3 दिन तक वो एक्टिव नहीं थे, और फाइनली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लगा दी। सो अगर आप लोग उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो चलिए गाइस हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। तो हम बात करने वाले हैं गंजी स्वैग के बारे में। तो भाई फाइनली गंजी स्वैग की भी न्यू वीडियो आ रही है जिसकी शूट वो कर रहे हैं एंड उसी को शेयर करते हैं। मूवी ने अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने ऑडियो म्यूट करके गंजी स्वैग को टैग करके शूटिंग के दौरान गंजी स्वैग की एक पिक्चर शेयर की। जो अपन एयर शूटिंग हो रही है, लेट्स सी कब तक इनकी वीडियो आती है। लेट्स सी, जैसे कोई अपडेट्स मिलेगी अपनी वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हम बात करने वाले हैं राहत फतेह अली खान के न्यू सॉन्ग के बारे में जिसमें रुमैसा खान और अली फयाज भी फीचर्ड है। फाइज इनका भी न्यू सॉन्ग आ चुका है बियॉन्ड रिकॉर्ड्स पे और अगर आपको ये सॉन्ग सुनना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सॉन्ग का नेम है रब जाने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपके पास YouTube या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट्स है, न्यूज़ है तो भाई आपने करना क्या, मेरे Instagram का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से डायरेक्ट जाकर आपने मुझे DM करना है। मैं न्यूज़ देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट भी दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।